आयशा गुलाली की करप्शन के सबूत मौजूद हैं। साबिक असिस्टेंट आयशा गुलाली नूर जमान खान का कहना है कि आयशा गुलाली ने मेरे बेटे को नौकरी दिलाने का वादा किया था, इसीलिए चुप था। करप्शन के तमाम सबूत एहतसाब कमीशन और नैब समेत दीगर इदारों को दूंगा। तफसीलात क्या है, अनिला शाहीन हमारे साथ है, उनसे मजीद जानते हैं। अनिला, मजीद क्या कहना था इनका? जी बिल्कुल, पेशावर प्रेस क्लब में आयशा गुलाली के मावन खुसूसी ने आज एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कुछ सबूत भी मीडिया को दिए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि 4 साल तक आयशा गुलाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर लोगों से पैसे बटोरती रही है। उन्होंने लोगों से जमीनें ली है, जिसमें वो अस्पताल बनाने के दावे किए थे, लेकिन अभी उस तक उसके जज्बाती इमलाक है उसमें उन्होंने घर बना लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ शवाहद भी उसने दिए हैं, कुछ सबूत भी उन्होंने दिए, कुछ बंदे भी उनके साथ आए थे जिन्होंने गवाही दी कि वो बाकायदा बनी गया जब इमरान खान से मुलाकात के लिए जाती थी, तो वहां से न सिर्फ कमीशन के नाम पर लोगों से पैसे लेती रही है, बल्कि कुछ फंड भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिए हैं, जिसके लिए उन्होंने अस्पताल का दावा किया था कि वो अपने इलाके में लोगों के लिए अस्पताल बनाएगी और फलाही काम करेगी। आज एक बार फिर जो उसका मामले खसूसी था नूरजमान, उसने कुछ काउंसलर को भी यहाँ पर मीडिया के सामने पेश किया, जिनका ये कहना था कि परकियाती कामों में आयशा गुलाली ने करोड़ों रुपए के जो कमीशन है तो उनसे वसूल किए हैं। तो एक डिबेट चल रही है पेशावर प्रेस क्लब में मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से, मुख्तलिफ लोगों की जानब से आयशा गुलाली के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर है, वो यहाँ पर वतन फोकन आज एक और भी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आयशा गुलाली के हवाले से बताया जाएगा कि उन्होंने मजीद कितनी करप्शन की है।